अगली खबर है सीकर से, जहां पर नेक्सा एवरग्रीन से जुड़े 6 लोगों पर FIR की गई। 93 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोपियों ने मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। कोर्ट के आदेश पर अब उद्योगनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। नाथावतपुरा निवासी पूर्व सैनिक दशरथ सिंह ने दर्ज कराया मुकदमा। जगदेव इस वक्त मौजूद है मेरे साथ, क्या है पूरी खबर जगदेव? ये आपको बताना चाहूंगा, नेक्सा एवरग्रीन नाम पे जो है पहले भी कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। करीब 27,000 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। इसके अंदर जो है अब एक जो है परिवादी नाथापुरा निवासी है पूर्व सैनिक दशरथ सिंह, उसने भी एक इसमें मुकदमा दर्ज करवाया है। उसका आरोप है कि तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक जो इसमें जांच अधिकारी थे उन्होंने इनका मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने कोर्ट के मार्फत ये अब मुकदमा दर्ज करवाया है। और इन्होंने 93 लाख रुपए की जो है धोखाधड़ी करने के मामला जो दर्ज करवाया है, और नेक्सा एवरग्रीन के जो मुख्य आरोपी थे 6 उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। और जो है आरोपियों ने जो है परिवादी को पैसा निवेश कर बड़ा मुनाफा देने का झांसा दे करके ये 93 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। और इसके बाद में जो है अब उधमनगर थाने में इसका मुकदमा कोर्ट के मार्फत दर्ज हुआ है। फिलहाल जो है पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जगदेव तमाम जानकारी के लिए।